मुफ्ती साहबान से हम लोगों ने फतवा मंगाया था जिस पर हर एक का मुत्तफिका फैसला था कि अतिक्रमण की रोजी भी हराम है और अतिक्रमण करना भी हराम है। कि कॉरपोरेशन के जो जिम्मेदारान हैं और यहाँ की जो सियासी पार्टियाँ हैं वो भी इन मामलों को हसासियत से नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन मालेगांव की इमेज खराब होती जा रही है। बहुत दुख होता है कि जब कोई हमारे शहर में आता है और यहाँ की बेराह रवि और अतिक्रमण किए हुए रोड गलियाँ जब देखता है तो बहुत ही यानी हैरत से कहता है कि इतने पढ़े लिखे लोगों का शहर, अदब का शहर और बहुत सारी जो खसूसियात हैं एक अतिक्रमण की वजह से सारी खसूसियात पर पानी फिर जाता है। ऐसे हालात में मैं कॉरपोरेशन और दीगर सियासी जमात के जो भी यानी कॉरपोरेटर हजरात हैं, लीडरान हैं और बिलखसूस आवाम से भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इसको अपनी जिम्मेदारी समझ करके शहर को अतिक्रमण से पाक करने की कोशिश करें। और जो अभी फ़िलहाल कमिश्नर साहब की जानिब से तहरीक चलाई जा रही है अतिक्रमण उठाने के लिए, तो कम अज़ कम उसके अंदर कोई अड़थड़ा ना डालें और शहर की साफ़ सफाई में अपना किरदार अदा करें। इस्लाम मुखालिफ कोई भी काम ना करें, अतिक्रमण करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है और ख़िलाफ़ शरीयत है, इससे बचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम ही लोगों को इसके ऊपर अमल करने की। आने वाली नस्लों ने इस अतिक्रमण को अपना हिस्सा समझ लिया, अपनी विरासत का हिस्सा समझकर हम अतिक्रमण करते तब के अतिक्रमण के ताल्लुक से हमें हमारे दीन ने कहा कि किसी ने किसी की एक बालिश्त जगह अगर किसी ने गजब कर ली तो इसको कल कयामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। हम ऐसे मजहब के मानने वाले, लेकिन अगर हम अपने शहर का मुहासबा करें, मुआजना करें बाजू वाले ऑर्डर के इलाके से, तो हमें लगता है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, लेकिन जो तालीमात एक मुस्लिम होने के नाते हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, हमारे धर्म ने, हमारे दीन ने हमको जो तालीम दी थी, आज ऐसा लगता है कि गैर मुस्लिम उन तालीमात के ऊपर अमल कर रहे हैं। और आने वाली नस्लों को इस चीज़ का पाबंद किया जाए कि हम अपने हदूद के अंदर जो हमारी मिल्कियत की ज़मीन है उसके अंदर भी पार्किंग छोड़कर अपना घर बनाए। और इसी के साथ साथ मैं कमिश्नर साहब से एक पैगाम आपके चैनल के जरिए पहुंचाना चाहता कि जिस तरीके से आप अतिक्रमण के ऊपर गामजन है, शहर के तमाम मसाइल के ऊपर आप दस्तनिगर रख सकते हैं, आप उसके ऊपर काम कीजिए। और अतिक्रमण से अगर शहर को खुलासी देना है तो फिर ये ज़मीन माफिया जो छोटी छोटी ज़मीन बड़ी बड़ी कीमतों के अंदर दे कर पैसा बना रहे इनके ऊपर भी आप नज़र रखें। इन्हें लेआउट बनाने के लिए आप जब दे तो इनसे लीगल तरीके से जो लेआउट मंजूर होता है कॉरपोरेशन का वो लेआउट मंजूर करवाए, और ऐसी जो जगह फरोख्त कर रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अनलीगल जगह जो बेचने का कारोबार गांव में बहुत फरोख पा चुका है, शहर ने अब कम से कम जगह में रहने की बहुत मार झेल ली। अब मैं उन ज़मीन माफिया से भी और उन ज़मीन के व्यापारियों से भी कहना चाहता हूँ, आप अगर कोई लेआउट गिराते हैं तो उसके अंदर अपनी शरीयत दीन का लिहाज रखकर कुशादा रोड और पानी की निकासी का माकूल इंतज़ाम हो, ऐसी चीज़ें फराहम करें ताकि एक माशरा जो शहर के अंदर है वो आने वाले दिनों के अंदर एक खूबसूरत माशरा बन के उभरे। ये मेरी उनसे इल्तिजा। हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त मालेगाँव के नाम से एक कमेटी बनाई थी इस्लामपुरे में, जो निषाद लाइब्रेरी से इसका आगाज़ हुआ था, और उस कमेटी का मुझे सदर बनाया गया था। हम जो है महल्ला महल्ला घूमकर लोगों को, हम लोगों ने जिनका अतिक्रमण था उनको फूल दिया। अब फूल देकर ये कहा कि भाई आप लोग अतिक्रमण को हटाइए, इससे जो है राहगीरों को तकलीफ़ है। कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अतिक्रमण को जब हटा रही है तो अतिक्रमण को हटाने के बाद वहाँ के जो मलबे वगैरह हैं, जिस तरह से जो सामान जब्त कर रही है, जो सीमेंट के मलबे है, टाँकी है, वो भी जो है उसको उठाए और उठाने की कोशिश करें, ताकि जो है उसकी वजह से वो पड़ा रहने की वजह से बाहर घर के लोग जो है कचरा लाकर फेंकते हैं, गंदगियाँ होती है, उससे बीमारियाँ फैलती है। और हमारे शहर का सबसे बड़ा अलमिया है कि जो हमारे शहर में स्कूलें हैं, स्कूल की दीवार से लगकर जो है मैं देखता हूँ मालेगांव स्कूल में
तो जो वहाँ के जिम्मेदार हजरात, उन्होंने दीवार पे लिख कर लगाया है कि बराए मेहरबानी यहाँ पर फोर व्हीलर गाड़ी, दूसरी गाड़ियाँ ना खड़ी करें। उसके बाद भी जब सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर विंगर, सोमो, छोटी ट्रक सब खड़ी रहती है। उसके बाद बच्चे वहाँ से गुजरते हैं और रास्ता तंग हो जाता है। तो हमें इतना समझना चाहिए कि स्कूल वालों ने जब बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पर फोर व्हीलर गाड़ियाँ ना लगाएं, तो हमें नहीं लगाना चाहिए। बच्चों को आज वहाँ पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, रास्ता जाम हो जाता है। रहते हैं रौनकाबाद में, रहते हैं अकबर हॉस्पिटल के पास, और गाड़ियाँ खड़ी करते हैं मालेगांव स्कूल की दीवार से लग कर। तो ये भी गाड़ियाँ खड़ी करना, ये भी एक तरह का अतिक्रमण है। तो हमें सोच समझ कर जो है गाड़ियाँ लगाएँ, ताकि जो है हमारे ही कौम के बच्चे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। इतना मेरी मुअद्दबाना और इल्तिमास है कि लोग इस पर खुद अमल करें, ये हमारे लिए। अगर एक ऑटो और फिर दूसरी तरफ से दूसरी ऑटो आती है तो दोनों ऐसा हो जाता है मानो कि एक बड़ा सा जाम या एक ट्रैफिक रुक गया। तो ये ट्रैफिक के मसले हल करने के लिए जो अतिक्रमण होता है उसको हमें हटाना पड़ेगा। मैं मिसाल देना चाहूँगा, जब हम अमन चौक की तरफ जाते हैं तो वहाँ इतना ढेर सारा मामला ऐसा है जो वाकई मतलब आसान नहीं होता है कि एक सही तरीके से हम एक रास्ते से दूसरी तरफ चले जाएं। दूसरी बात, चंदनपुरी गेट की तरफ से जब हम देखते हैं तो उस जगह पर भी ये माहौल है। तो कॉरपोरेशन जिस हिसाब से अतिक्रमण निकाल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों ने इसके ऊपर नाराज़गी जतानी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि लोगों ने इसका ताउन करना चाहिए। पहली बात तो हमें ये सोचनी चाहिए कि अतिक्रमण करके हम कॉरपोरेशन को दावत देने की जगह हम खुद क्यों ना अपने अतिक्रमण को साफ करें, क्योंकि इस अतिक्रमण का नुकसान जो है मालेगांव के तमाम ही आवाम को भुगतना पड़ता है। अतिक्रमण करने वाले 10 लोग रहते हैं, लेकिन इसके भुगतान जो है वो 100 लोग करते हैं, क्योंकि इसमें चंद लोग रहते हैं जिनकी वजह से हम मुसलमानों का नाम भी ख़राब होता है। हम आए दिन कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं कि यार ये मालेगांव के ये बस्ती में दाखिल हो जाओ या मालेगांव के ये एरिया में दाखिल हो जाओ तो बस आपको समझ जाएंगे कि ये मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बस्ती है। तो ये हम होने नहीं देंगे। हम ये चाहेंगे कि मालेगांव का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन मालेगांव शहर ही लगना चाहिए और मुसलमानों का इसमें नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। कि जब अतिक्रमण से हम गटर को ढाक देते हैं, पूरी परमानेंट जैसे पैक कर देते हैं, कभी गटर के अंदर कुछ फंस जाता है, गटर का पानी पूरा रास्ते पे आ जाता है, आएगा तो किसके पास आएगा? वही दुकानदार के पास आएगा जिसने अतिक्रमण किया हुआ है, जो गटर के ऊपर पूरा स्लैब बना के रखा हुआ है, या वो घर के पास ही में सब बातें हो जाएगी जहाँ पर सब गटर ढक चुकी है। तो इससे हमारी सेहत को खतरा होता है, और वो सेहत का खतरा ज़्यादा उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अतिक्रमण किया है। तो देखिए, सेहत को लेकर हम आवाम को समझते हुए, बच्चों को समझते हुए, हम लोगों ने अतिक्रमण जो है वो जल्द से जल्द अपने हिस्से से, अपना जो अतिक्रमण रहेगा उससे हटाओ, क्योंकि हम जितना अतिक्रमण करते जाएंगे उतना नुकसान होता ही जाएगा, और ये नुकसान अपना अकेले का नहीं पूरे कौम का नुकसान हो। कभी कहीं आग लगती है, हादसा होते हैं, एम्बुलेंस की ज़रूरत अगर गली के अंदर जाने की होती है या चौड़े रास्ते पर इमरजेंसी में जाने की बात होती है, लेकिन उस जगह अतिक्रमण होने की वजह से और अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक होने की वजह से ना एम्बुलेंस वक्त पे उस जगह पहुंच पाती है और ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस जगह पहुंच पाती है। तो ये नुकसान किसका हुआ? जहां आग को जल्द से जल्द बुझाना चाहिए, वहां अतिक्रमण की वजह से गाड़ियां, ट्रैफिक की वजह से गाड़ियां वहां वक्त पे नहीं पहुँच पाती है, और उससे ढेर सारा। हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त मालेगांव ग्रुप बनाकर इस ताल्लुक से काफ़ी मेहनत की और उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला। हम लोगों ने बाकायदा लोगों को फूल पेश करके और दीन हदीस से और फतवे मंगाकर उन तक का ये पैगाम भेजने की कोशिश की गई थी कि मालेगांव से अतिक्रमण हटा दिया जाए। मुस्लिम अक्सरियती शहर है, मस्जिद मीनारों का शहर है, ये सिर्फ बोलने की बात है। अगर देखा जाए तो मालेगांव के ताल्लुक से ये कहना चाहिए कि अतिक्रमण का शहर है, तो हमें ये खुद से हटा लेना चाहिए ताकि कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। हम शिकायत तो लाख करते हैं कि गटर साफ नहीं होती, कॉरपोरेटरों को बदनाम करते हैं, हालांकि हमारी अपनी कोताही है, हमने अपने घरों के आगे टंकी रख ली है और उसके बाद मोटरसाइकिल
तीन फुट गटर के ऊपर हमारा अपना संडास बाथरूम बना लेते हैं, किचन वोटा बना लेते हैं, जिसकी वजह से हर किसी को तकलीफ है, प्लस गटर साफ करने वालों को तकलीफ है, हमें खुद भी तकलीफ है। हर बंदा ये चाहता है कि मालेगांव से अतिक्रमण उड़े, लेकिन कोई ये नहीं कोशिश करता कि मैं खुद अपने रात से किसी को तकलीफ ना पहुँचाऊँ और मैं खुद अपना अतिक्रमण साफ करूँ। अगर नल रोज़ाना दिया जाए तो मालेगांव से जो गोल टाँकी पानी की सिलक करके रखी जाती है दो दिन के लिए, अगर नल का वक्त तो आधा कर दिया जाए और रोज़ दिया जाए तो उसमें मैं समझता हूँ कि शहर से आधी टाँकी ख़त्म हो जाएगी। अगर कॉर्पोरेशन को अपनी आमदनी बढ़ाना है और गोल टाँकी को गटरों के ऊपर से और रोड पर से उठाना है, तो जिस तरह ठेला गाड़ियों से पैसा लिया जाता है, रोड पर जो दुकानदारी का करते हैं उनसे फीस वसूल की जाती है, अगर हर टाँकी का 10 रुपया रोज़ लिया जाए तो हर कोई अपनी टाँकी खुद से फोड़ देगा और शहर से एक बड़ी लानत खत्म होगी। शहर कॉर्पोरेशन में बहसियत प्रशासक कमिश्नर का बैठना बहुत बड़ी नेमत है मालेगांव वालों के लिए। ये 4-6 महीने में जो मालेगांव शहर कर सकता है इनको करना चाहिए। ख़ास तौर से जो मुद्दा चल रहा है मालेगांव शहर में अतिक्रमण का, अतिक्रमण को लेकर जितना भी बुरा भला बोला जाए इस पर कम है। इसमें पड़ोसी को तकलीफ़ है, आने जाने वालों को तकलीफ़ है, रोड वालों को तकलीफ़ है, प्लस जो कॉर्पोरेशन के कर्मचारी आते हैं रोज़ सुबह शाम में काम करने वाले, गटर निकालने वाले, कचरा उड़ाने वाले, गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं मालेगांव शहर के सोशल वर्करों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस जानिब तवज्जो दी जाए, वक्तन फक्तन अपने आप को निकाल के, वक्त निकाल के कमिश्नर से मिला जाए। अभी पिछले टाइम में अखबार में हमने सुना था कि अदारे इब्राहिम के सफ़ीक राणा साहब ने और उनकी क़यादत में कुछ लोग जाके मुलाकात किए थे कमिश्नर से, तो ये कोई एक अदारे का अकेले की ज़िम्मेदारी नहीं है, पूरे शहर की ज़िम्मेदारी है। पूरे शहर के जितने भी सोशल वर्कर हैं, अदारे वाले हैं, इनको अपने आप को आगे लाना चाहिए, जाके कमिश्नर से मिलना चाहिए, कमिश्नर से बात करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो साफ़ सफाई का है, अतिक्रमण का है, ये दो चीज़ पर प्रेशर बनाना चाहिए। कॉर्पोरेशन के प्रशासक साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो बिना प्रेशर में, बिना रोक टोक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि कॉर्पोरेशन कमिश्नर अपने अधिकारियों की भी क्लास ले। भाई जो नीचे के अधिकारी है आज है ठीक है, नहीं है कल के कोई प्रेशर में ना आ जाए। कल इलेक्शन होगा, कॉर्पोरेशन में मेजॉरिटी आएंगे, कुछ भी आएंगे, कॉर्पोरेटर रहते, चेयरमैन रहते, प्रभाग अधिकारी पर और दूसरे अधिकारियों पर कुछ भी प्रेशर आ जाता है। तो अभी जो 4-6 महीना मालेगांव शहर को मिला है, तो मैं कमिश्नर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अधिकारियों की भी क्लास ले, सख्त तम भी करे कि किसी के प्रेशर में नहीं आते हुए पूरे मालेगांव शहर का अतिक्रमण निकाले। शरीयत के हिसाब से उन पर हम लोगों ने यहाँ पर लाकर शरीयत के नाम उससे तीन मसलक से हम लोगों ने, ताकि किसी को किसी तरीके का भी वो ना रहे, हम लोगों ने उसके वो ला कर दिया था कि भाई ये फतवा ला कर दिया था कि भाई ये अतिक्रमण की रोज़ी भी हराम है और किसी की 1 इंच या 1 बालिश की जगह भी अगर हम ले लेते हैं तो हराम है, और आगे कयामत के दिन अल्लाह ताला हमको वो ज़मीन का तोप बना के हमारे गले में डालेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सवालात करके मुफ्ती साहिबान से हम लोगों ने फतवा मंगाया था, जिस पर हर एक का मुत्तफ़िका फैसला था कि अतिक्रमण की रोज़ी भी हराम है और अतिक्रमण करना भी हराम है। और ये जो मामला है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा देखा जाए तो सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी में है। आज हम लोग किसी गैर मुस्लिम के एरिया में चले जाओ, बहुत सारे शहरों में कॉमन बस्ती बसी हुई है, लेकिन फिर भी उनके एरिया में चले जाओ तो सब कुशादा रोड, गटरें साफ सुथरी, रास्ते बिल्कुल कुशादा, हर तरीके से उनको आसूदा दिखता है। एक कोने से खड़े होकर देखो तो दूसरा कोना पूरा दिख जाता है, और हमारे मुस्लिम एरिया की तो पहचान ही बना दी गई है, जहाँ गंदगी का अंबार दिखे और जहाँ पर यानी रोड कम दिखे या रास्ता चलने के लिए ना मिले, समझ लो वो मुस्लिम बस्ती है। तो ये हमारी पहचान है, है? आज हम लोगों को दीन के तवस्सुस से दिया गया कि भाई दीन हमारा क्या सिखाता है और हम क्या सीख रहे हैं। पूरा शहर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में मशहूर है कि मालेगांव मस्जिदों और मीनारों का शहर है, है? हम मस्जिदों और मीनारों को बदनाम कर रहे हैं और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे पा रहे हैं, जैसे कर रहा वैसे चला रहे हैं। आज हर कोई चाहता है कि यार अतिक्रमण ना हो, लेकिन खुद भी अतिक्रमण करके बैठ रहा है, वो भी नहीं चाहता कि मैं हटा लूँ। हर कोई यही करता है, हाँ
कहीं भी बैठकर बहस करेंगे, हाँ यार बहुत तकलीफ है यार, देखो इतना बड़ा है, देखो इतना ये है, देखो इतना वो है, लेकिन कोई खुद से ये नहीं करता कि यार मैं हटा लूँ, या मेरे पास अगर अतिक्रमण मैं किया हूँ तो मैं उसको पहले हटा लूँ। एक उंगली एक की तरफ कर दें तो तीन हमारी तरफ भी रहती है। प्रशासक मैंने अपनी आँखों से देखा है, सुलेमानी मस्जिद के रोड पर प्रशासक के लोग आकर खड़े हैं, हटा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो अतिक्रमण करके बैठे उनसे दादागिरी कर रहे हैं कि यार हम नहीं हटाएंगे, तुमको क्या करना करो। तो ये तो हमारे हाल है। इन्हें कहने का मतलब ये है कि आदमी हर कोई परेशानी से चल रहा है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। जिसको किसी को अगर कोई हिम्मत करके करता भी है तो उसके लिए ये है कि भाई जाने दे, तू क्यों उसके पीछे पड़ा है। कोई अगर एक दुकान भी चलाता है तो वो बोलता है कि ये मेरा जाती हक है, मैं दुकान के आगे 5 फीट 10 फीट 15 फीट तक जा सकता हूँ। ये हक कहाँ से उनको मिल गया ये तो कोई नहीं बता सकता, वो अपना जाती हक बताते हैं। और किसी से कोई बात करते हैं तो बेचारे लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब अभी आज प्रशासन कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।